If you are traveling to Ireland from India, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं और क्या क्या फॉर्म्स भरने होते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो. और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम सिद्धांत है एंड मैं यहाँ पे आयरलैंड में जॉब करता हूँ साइबर सिक्योरिटी में. एंड मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो लोग आयरलैंड आना चाहते हैं उनकी स्टडीज के लिए, यहाँ पे रहने के लिए, घूमने के लिए, सब चीज़ों की आपको वीडियोज मिल जाएगी. प्लेलिस्ट बनी होगी मेरे चैनल में, आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं. और आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जब मैं इंडिया से आयरलैंड आया तो मेरे क्या क्या फॉर्म्स मैंने भरे थे और क्या प्रोसीजर था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फॉर्म भरा था, मेरी फ्लाइट यूके से आई थी तो मैंने फॉर्म भरा था यूके का लोकेटर फॉर्म. उसमें आपको बताना था कि आप यूके क्यों जा रहे हो और अगर आप वहाँ पे रुकोगे तो कितने टाइम रुकोगे. तो मेरा तो खाली ले ओवर था, वहाँ पे हॉल्ट था थोड़ी देर का, तो मैंने वहाँ पे भरा था कि दैट आई विल गो टू आयरलैंड, मेरे हॉल्ट है बस थोड़ी देर का. एंड फिर अगर आप उसके आगे आयरलैंड जा रहे हो तो आपको आयरलैंड का भी फॉर्म भरना होता है, लोकेटर फॉर्म. उसमें आपको लिखना होता है कि आप आयरलैंड में कहाँ पे रुकोगे, आपका एड्रेस क्या है, और आयरलैंड में कोविड टेस्ट भी दिखाना था. तो जब आप लंदन से आयरलैंड की फ़्लाइट में बैठ रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने कोविड टेस्ट चेक करा था फ़्लाइट में बिठाते टाइम सबका. आयरलैंड में आके चेक नहीं हुआ था इमिग्रेशन में, बस उन्होंने पूछा था आप कहाँ पे जाओगे, क्या रहोगे बस. और आपका यहाँ पे एक कार्ड होता है GNIP अगर आप यहाँ पे पहले से रह रहे हो, और अगर आप नए आ रहे हो तो पासपोर्ट पूछेंगे दिखाने को, और आप वहाँ पे कहाँ रहोगे वो सब फॉर्म वॉर्म पूछेंगे. तो बस कोविड टेस्ट दिखाना था लंदन में. और ये मैं ट्रैवल करा था 10th of January 2021 में. तो अगर ये वीडियो कोई बहुत लेट देख रहा है तो हो सकता है रूल्स चेंज हो सकते हैं, तो आप कमेंट करके मत लिखना कि आपने गलत बताया, झूठ बताया. ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक मेरी मेडिकल इंश्योरेंस की वीडियो मैंने बनाई थी और उसके 4-5 days बाद ये एक रूल आ गया था कि ये वाला मेडिकल इंश्योरेंस अब एलिजिबल नहीं है. अगर आप विद इन 25 days या 20 days ऐसा कुछ था, अगर आप उसके अंदर खरीद लेते हो वो मेडिकल इंश्योरेंस तो आपका वैलिड रहेगा, उसके बाद आप उसको नहीं खरीद सकते. तो एक सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट करके लिखा था कि आपने अच्छे नहीं बनाया, ये गलत आप दिखा रहे हो ये वो. तो भाई मैं तो अपने हिसाब से सही बता रहा हूँ, और वो मेडिकल इंश्योरेंस भी मेरे पास अभी तक है. और ये ट्रैवल जो मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं 10th of January को ट्रैवल करा था और ये गाइडलाइंस थी तब. तो जब आप ट्रैवल करो तो आप वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं. और मैंने ट्रैवल करा था वर्जिन अटलांटिक से दिल्ली टू लंदन, और लंदन से यहाँ तक की मेरी थी डबलिन तक की एयर लिंगस फ्लाइट. और फ्लाइट अच्छी थी, ठीक थी. एयर लिंगस वाली में कुछ नहीं मिलता है खाने को, बट वर्जिन अटलांटिक में मिला था. और ये मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पहले एक महीने से वीडियो आ रही है फ्लाइट्स की. मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूँ उधर कर रहा हूँ, तो मैं सोचा आपको खाली प्रोसीजर बता दूंगा. आप लोगों ने बहुत फ्लाइट्स का देख लिया है, अगर आपको देखना हो कि वर्जिन अटलांटिक में और एयर लिंगस में कैसा था, कैसा खाना मिला, क्या हुआ, तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जाके, जो मैं आयरलैंड से दिल्ली गया था उसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई थी. वर्जिन अटलांटिक और एयर लिंगस से ही गया था, उसमें खाने को क्या मिला था सब कुछ सारी वीडियो बनाई थी, फ्लाइट अंदर से कैसी थी. तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं. एंड गाइस जब मैं डबलिन पहुंचा लंदन की एयर लिंगस की फ़्लाइट से, जैसे मैं बाहर निकल रहा था तो मुझे एक आप लोगों में से एक सब्सक्राइबर मिला, और उस बंदे ने मेरे को मास्क में पहचान लिया. एंड मैं शॉक था कि मास्क में कैसे पहचान लिया, बट तब मैं बहुत नींद में था क्योंकि जैसे ही मैं लंदन में बैठा फ्लाइट में और बाद में मेरी नींद खुली जब हम डबलिन में लैंड हो गए थे, लाइट जली जब फ्लाइट में तभी मेरी नींद खुली. तो मैं बहुत नींद में था तब, जस्ट उठा था, तो मैं उस सब्सक्राइबर से इतनी बात नहीं कर पाया. बट अगली टाइम जब भी हम मिलेंगे तो हम साथ में ज़रूर वीडियो बनाएंगे एक. और इससे पहले भी मतलब मेरे को सब्सक्राइबर मिले हैं, बट वो ऐसे मिले हैं कि मेरे फ्रेंड के फ्रेंड बन जाते थे यहाँ पे आके, तब मेरे को मिल गए कहीं मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ तो. बट ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं एकदम से किसी से मिला और मैंने मास्क पहन रखा था और तब भी उस बंदे ने पहचान लिया. एंड जस्ट फॉर FYI मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी शायद UK में कोविड टेस्ट मांग रहे हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि अगर आप कोविड टेस्ट करा के आओगे तो आपको बस दिखाना है इंडिया में और UK में और आयरलैंड में, तो वो कहीं भी पूछे आप दिखा सकते हो. बट मेरे केस में ऐसा था कि मैंने जो टेस्ट कराया था वो लेट हो गया था, कुछ
प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे जहाँ पे टेस्ट हो रहे थे और मेरे को टेस्ट नहीं मिला था जब मैं इंडिया में था, बट बाय चांस मेरे से इंडिया में चेक नहीं करा था क्योंकि तब रूल नहीं था कि यूके के लिए आपको कोविड टेस्ट चाहिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट, तो इसलिए मेरा यूके में चेक करा और तब तक मेरी रिपोर्ट आ गई थी। तो आप आई थिंक 72 आवर्स विदिन 72 आवर्स करा सकते हो कोविड टेस्ट, तो वो गाइडलाइंस भी आप चेक कर सकते हो जहाँ से टिकट कराओ। मैंने मेक माई ट्रिप से टिकट कराई थी बट उनकी सर्विस मेरे को इतनी सही नहीं लगी, मतलब थोड़ा था, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप फ्लाइट से डायरेक्टली करा लो तो वो ज़्यादा इजीली रहता है क्योंकि आप उनको सीधा कॉल करोगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप फ्लाइट वालों को बोल सकते हो। अगर आप किसी एजेंट से या किसी और से कराते हो तो वो बोलते हैं आप फ्लाइट वाले से बात करो, फ्लाइट वाले बोलते हैं किसी और से करो। ऐसा मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि मेरे डेट चेंज के 6,000 रुपीज़ चार्ज कर दिए थे, और शायद अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट वालों से कराते तो डेट चेंज के वो चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था उसने डेट चेंज कराई थी और चार्जेस नहीं लगे थे, तो इसलिए डायरेक्ट उनसे करानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी खुद की मर्जी है। एंड आप देख रहे होंगे मैं एक नया अकोमोडेशन में हूँ, आप में से बहुत लोगों को पता है जिन्होंने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी थी पहले जब मैं यहाँ से जा रहा था आयरलैंड से, तो मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों को मेरे नए अकोमोडेशन की वीडियो चाहिए तो आप में से बहुत लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करा था कि नए अकोमोडेशन की वीडियो बनाना, तो उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। अब मैं इस वीडियो को रैप अप कर देता हूँ। मैंने एक लोकेटर फॉर्म भरा था यूके का, एक मैंने लोकेटर फॉर्म भरा था आयरलैंड का, एक आरटीपीसीआर रिपोर्ट एंड फॉर्म मैंने एयरपोर्ट पे भरा था क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि जो मेरी फ्लाइट की वेबसाइट थी उस पर लिखा नहीं होता कि आपको ये फॉर्म भरने हैं, तो मैंने एयरपोर्ट पे ही भरा था। तो अगर आप एयरपोर्ट भी भरो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को जैसे पहले पता चल जाएगा मैं बता रहा हूँ तो आप पहले से भर के जा सकते हैं। मैं दोनों लोकेटर फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, जिससे आपको पता चल जाएगा व्हेन माय नेक्स्ट व्लॉग गोज लाइव। और अगर आपको मेरी डेली एक्टिविटीज देखनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहा होगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।